और नाजरी हम वापस आ चुके हैं ए प्लस मॉर्निंग और ये दूसरा दिन है कि हम बाहर कुदरती फिजा में बैठे हुए हैं बहुत बारे बैठे हैं। हाँ जी, और अभी मैंने इनका इंट्रोडक्शन कराया था पहले बोल पड़े लेकिन क्या बताएं हूँ बोल पे इन्हें इंट्रोडक्शन भी करा देने हैं। बहुत अच्छे हमारे दोस्त और बहुत अच्छा सिंगर है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट और मेरे ख्याल से सिख कम्युनिटी में से मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओनली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्सी सिंह। बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे। की हाल चाल है पाजी? ठीक ठाक पाजी। मैं सब तो पहला तो ए प्लस के वेखन वाले दर्शकों को सत श्री अकाल सलाम अलैकुम कहता हाँ। दूजी ये गल है कि मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन हाँ और मैं लाइकवाइज ये सिर्फ अच्छाई में कह रहे हैं नहीं नहीं सच्ची मुच्ची कह रहे हैं वहाँ कि माशाल्लाह बहुत बड़ा कलाकार है कि कितने भी चल जाइए यदा ही गाना चलता होंगे पुलिस से भर्ती हो गया तो मैं आप यदा बहुत बड़ा फैन है। मैं आई लव यू चुनेत। ये फर्क होता है आपके अपने बैंड मेंबर में और दूसरे सिंगर में। मेरा अपना बैंड मेंबर आपने मेरा अगर अच्छा गाना सुना हो उसमें अरमान के अंदर शुरू में उसने कहा शट अप जुनेद। ये कह रहे हैं आई लव यू जुनेद। अच्छा वो बताया जा रहा है कि दूसरे गेस्ट का पहले पैकेज चलेगा और फिर जुनेद उनका इंट्रो कराएंगे। सो टेक अ लुक एंड वी राइट बैक। सरप्राइज आपसे क्यों चाहते हो किस लिए मुझको सताते हो तुम हो मेरी जाने जा क्यों अजनबी बन जाते हो। पियानो गर्ल वेयर आर यू व्हाई डू यू ऑलवेज कॉल मी पियानो गर्ल। पियानो गर्ल ना का करो मिसेस समीर तुम पियानो गर्ल ही सही हो। जब ये पियानो बजाती है तो सब कुछ जैसे थम सा जाता है। देखो मौसम आए हैं प्यार के इंतजार के। I'm so sorry. हो सके तो मुझे माफ कर देना बस। समझो मेरी मजबूरी तुम दिल मेरा क्यों। माँ बाप के लिए औलाद कितनी बड़ी हो जाए नन्ने मुन्ने से रहते हैं बिल्कुल। आप अपनी दुनिया बसाएं भले आपके बेटे की दुनिया बसने से पहले उजड़ जाए। परियाल तुम्हारे वजूद में एक जिंदगी पल रही है। माँ की ममता तो चिड़िया की तरह होती है। से दूर करूं कैसे तू ही मेरी चाहत है। रातों को नींद आए ना तू ही मेरी राहत। जी वेलकम बैक यानी कि वेलकम बैक वैसे ही मगर पैकेज आपने देखा है। यार जिस शख्सियत का ये पैकेज था जो ये राइटर हैं जिन्होंने इतने कमाल काम लिखे हुए हैं और इतना ये जो आप गाना भी सुन रहे थे ये कंपोजिशन भी इनकी थी और लिखा भी उन्होंने था। राइटर पोएट लिरिसिस्ट वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रॉमिसिंग टैलेंट ऑफ आवर टाइम्स। अभी स्टार्ट किया अभी बहुत सी मूवीज कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और देखने में भी बहुत सही से लगते हैं मुझे। और अभी इंडिया की भी दो फिल्में लिखी हैं पाकिस्तान की भी एक फिल्म लिखी और मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। तो इससे पहले कि हम दोनों इंट्रो में ही पूरा टाइम गुजार दें हम सीधा अपने गेस्ट पे जाते हैं। जुनेद चलो जी हमारे साथ हैं सूरज और जिनको सूरज बाबा भी कहा जाता है। सूरज बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ए प्लस मॉर्निंग बस फर्स्ट क्लास। क्या आउटडोर मॉर्निंग इज सो प्लेजेंट है ना बिल्कुल। अच्छा आपका माशाल्लाह सीवी बहुत ही प्लेजेंट है। आपने हर चीज़ करने का वो जो है अपने सर उठाया हुआ है और इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हर चीज़ और माशाल्लाह इतनी यंग एज में और मतलब क्रॉस बॉर्डर तो ये तो बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है। एक्चुअली टैलेंट अपना राह खुद बना लेता है। हाँ। और यंग एज आई स्टार्टेड राइटिंग पिछले 10 साल से। अच्छा तो वो इससे भी यंग था। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज जस्ट 17। ओ वाओ माशाल्लाह। और पहला प्ले मैंने पीटीवी के लिए किया कुर्बतों के सिलसिले। अब वो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उसके बाद आज तक फिर कर ही रहा हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं, एक ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, अभी है टाइम, हौसला कर लेते हैं। और बड़े एक्साइटिंग गेस्ट हैं, जस्सी बैठे हैं, सूरज बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम बड़ा मजा करने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना। टेक अ ब्रेक, ए प्लस मॉर्निंग।